सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक विद नफीस को, बेल आइकन को दबाइए न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही चैनल टेक विद नफीस में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो बहुत ही आपके लिए अहम है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ट्रेनें लेट होती हैं या फिर रद्द हो जाती हैं, हमें पता नहीं होता और हम स्टेशन पहुंच के परेशान होते रहते हैं। तो पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको भी आप दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो आप प्ले स्टोर में एक ऐप लोड कीजिए, सिंपली यहाँ पर सर्च कीजिए NTES, ये एप्लीकेशन आ गया, मैंने लोड कर रखा है, आप इसको लोड कर लीजिएगा। यहाँ से ओपन कर लीजिए इसको, ये इसके ऑप्शन आ गए, टोटल ऑप्शन इसके आ गए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉट योर ट्रेन, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन कितनी लेट है और अभी कहाँ पर है। जैसे कि मैं चेक करता हूँ इस ट्रेन के बारे में, 14312 ये बरेली एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ पे हमें वो डेट डालनी है जिस दिन वो बन के चलती है। तो ये 14 तारीख को बन के चली ट्रेन गुजरात से और ये बरेली जाने वाली ट्रेन है। तो हमें ये चेक करना है कि ट्रेन कितनी लेट है और कहाँ पर है। तो शो स्टेटस पे हम ओके करेंगे तो ये लिख के आ गया, ये ट्रेन 10 घंटे लेट है और अभी ये पहुँची है, ये बस्सी पहुँची है, ठीक, ये लिखा हुआ नीचे बस्सी। और उसका जो अगला स्टेशन है वो है डोसा। फ्रेंड्स, अब आ जाइए बैक, यहाँ से मतलब ये चेक कर सकते हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पर है और कितनी लेट है। तो दिल्ली इसका टाइम है 3 बजे आने का, तो ये 10 घंटे लेट चल रही है, तो इस हिसाब अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारी ट्रेन कितनी लेट है। अब बैक आइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टेशन पहुँच जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से कहीं भी जाने के लिए कितनी ट्रेनें हैं, कितनी नहीं हैं और कितने बजे हैं या फिर और कितनी ट्रेनें आ सकती हैं। तो ये स्पॉट, ये लाइव स्टेशन है, इस पर आप ओके कीजिए। ये स्टेशन की डिटेल आएंगी, पूरी उस स्टेशन की डिटेल आ जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ मैं दिल्ली की चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला दिल्ली और मुझे जाना है मुरादाबाद, तो ये मुरादाबाद मैंने सर्च कर लिया। और यहाँ पे हमें टाइम सेलेक्ट करना है कि हमें अगले 2 घंटे के अंदर ट्रेन चेक करनी है, 4 घंटे के अंदर, तो 4 चेक कर लेते हैं, 4 घंटे में चेक करते हैं, ये बढ़िया है। तो गेट ट्रेन पे हम ओके करेंगे। तो देखिए, अगले 4 घंटों में मुरादाबाद जाने के लिए कुल तीन ट्रेनें हैं, ये देख सकते हैं आप, पोरबंदर एक्सप्रेस है, दूसरी रानीखेत एक्सप्रेस है और तीसरी दिल्ली शाहजहाँपुर, ये पसेंजर है ये। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रेन आपकी ये 51 मिनट लेट है और सेकेंड वाली ट्रेन आपकी ये 20 मिनट लेट है और जो तीसरी ट्रेन है आपकी राइट टाइम है। तो ये वो बैनर है आपका जो वहाँ पे लगा होता है स्टेशन पे, ये वो वाला बैनर आपका। अब बैक आइए आप, इससे आप ये चेक कर सकते हैं बाकी ये ट्रेन शेड्यूल, यानी आपकी ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है, कितनी देर रुकती है, कितने बजे टाइमिंग है, कैसे कैसे कहाँ टोटल। ये देखिए हम डालते हैं 14312, इसका शेड्यूल पूरा आ गया। ये भुज से चलती है, यानी गुजरात में ही भुज है, वहाँ से चलती है 12:40 पे, ठीक। टोटल आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं, कितने किलोमीटर है, डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, डे चेक कर सकते हैं, अराइवल, टोटल चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, स्टेशन कोड नेम सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बैक आइए, आपको एक चीज़ और कि सर्दियों में क्या होता है, अक्सर ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं या फिर उनका रूट चेंज कर दिया जाता है। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कैंसिलेड ट्रेन, यानी कितनी ट्रेनें कैंसिल हैं, फुल ट्रेन अब, यानी कुछ ऐसा होता है कुछ ट्रेनें आधी कैंसिल होती हैं, जैसे दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन है कोई जो बन के दिल्ली से चलती है और जाती मुरादाबाद हो तो पूरी कैंसिल हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन आधी कैंसिल होती है, जैसे कि दिल्ली से हापुड़ तक तो ट्रेन जाएगी और उसके बाद आगे नहीं जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल, यानी ये जो ट्रेन आ रही है ये फुल रद्द है, ये टोटल ट्रेन है ये आज की डेट में, डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है। और पार्टिकल यानी टुकड़ों में जो ट्रेन होती है, जैसे कि अब ये देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अलवर जंक्शन, तो ये जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक ये रद्द है, जो आप पहला देख रहे हैं ये और दूसरा ये, इन दोनों के बीच में ये ट्रेन रद्द है इतनी। और
कभी कभी आपको पता नहीं होता कि इस स्टेशन से फला स्टेशन के लिए कि कितनी ट्रेनें, मान लो जैसे हमें दिल्ली से जाना है बरेली, और हमें ये नहीं पता होता कि दिल्ली से बरेली जाने के लिए कितनी ट्रेनें हैं और उनका टाइम क्या है। तो सीधा सीधा आप इस पे क्लिक कीजिए, ट्रेन बिटवीन स्टेशंस पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर आ गया फ्रॉम स्टेशन, यानी आपको कौन से स्टेशन से जाना है। सिंपली आप दिल्ली डाल लीजिए, जाना कहाँ है बरेली, तो बरेली, बरेली ये आ गया बरेली। ऑल टाइप्स ट्रेन, इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रेनें पैसेंजर होती हैं, कुछ एक्सप्रेस होती हैं, कुछ मेल होती हैं। तो आप ऑल टाइप पे क्लिक कीजिए और फिर इस बटन पे ओके कीजिए, गेट ट्रेन्स पे आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए तमाम ट्रेनें जो दिल्ली से बरेली जाती हैं वो तमाम आ गई हैं। देखिए सुल्तानपुर एक्सप्रेस, इसका टाइम शो हो रहा है, स्टेशन टू स्टेशन तमाम चीज़ें इसकी शो हो रही हैं। देखिए टोटल चीज़ें इसकी शो हो रही हैं, यानी 12:35 पे ट्रेन है और आपको ये पहुंचाएगी बरेली 5:30 बजे। टोटल टाइम लेगी आपको पहुंचाने में 5 घंटे। ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरी ट्रेन, ये भी 5 घंटे लेगी आपको, और टाइम इसका 5 बजे और 10 बजे आपको पहुंचा देगी। टोटल आप यहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस, टोटल ट्रेनें जितनी भी हैं दिल्ली से बरेली जाने वाली, वो तमाम ट्रेनें इसके अंदर आ चुकी हैं। सबका टाइम, डेट सब इसमें शो करेंगी। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को आप लोड कीजिए। अगर आपको लोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक मैंने दे रखी है, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।